के स्क्रीन पर दिखाई दे रही जोरदार हंगामे की ये तस्वीरें सीएम सिटी करनाल की है, जहां पर बसंत बिहार एक निजी अस्पताल में कुछ लोगों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है और मारपीट के दौरान एक व्यक्ति को गहरी चोटें भी आई हैं। वहीं मामले की सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है और पीड़ित पक्ष को समझा बुझाकर शांत करवाती है। पीड़ित महिला की माने तो यहां पर स्टाफ और खुद को कांग्रेस नेता बता रहे डॉक्टर सुनील पवार ने उसके साथ और उसके पति समेत परिवार के लोगों के साथ मारपीट की है। तो वहीं डॉक्टर सुनील पवार खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उन पर ही हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। किलनर जितने भी कंपाउंडर हैं सारे ये कंपाउंडर, अरे किस डॉक्टर ने मारे, लेडीज डॉक्टर है जो, किसने की मारपीट, लेडीज डॉक्टर ने भी मारे डंडे, इसने भी मारे, वकील अंदर लोग क्या बैठा डंडे कौन ले गया, आप ये बताओ जब इनको पता था वो आएंगे, पहले रख लिए पहले रख लियो ना डंडे, हाँ डॉक्टर और सुनो सबसे मारपीट हुई जिनके साथ, क्या नाम डॉक्टर, मेरा घरवाला, मेरा देवर, मेरा भाई जो पुलिस की गाड़ी में गया वो कौन गया, वो मेरा घरवाला, क्या नाम है, मुकेश, उसके साथ ज्यादा, और सुनो दूसरी बात सब तबड़ी दम की पता क्या दी, मेरे सोनिया गांधी के साथ रिलेशन है और सोनिया गांधी के लोग मिलकर एक मिनट में मरवा दूंगा, डॉक्टर कांग्रेस ही है, हाँ इन्हें ये बात कही, और मैं तो इलेक्शन में खड़ा है, मेरे तो बेरा मिल लगन देना, कहाँ गए थम, तो वो आरोप लगा रहा, सुनो मेरी बात, आपने आकर के मारपीट की हॉस्पिटल में, कल ने मेरे घर वाले का मेरे ऊपर आपके लोगों पे मार, हाँ और डॉक्टर कह रहा है कि इन्होंने मारपीट की हमारे साथ, सुनो मेरी बात, अगर सच्चाई इतनी सच्ची है तो ये सारे कैमरे चेक करवा लो, सारे कैमरे चेक करवा लो, ये पब्लिक खड़ी, लेकर आप आए थे वो कह रहे डॉक्टर, हम लाठी है, ये तीन बंदे लाठे लेकर आए, हम नहीं मरते तो किसी ने फोन करा दिया, बात करवा दूंगा तुम्हारी आपस में, बोला जी 30,000 में हमारी बात हुई थी, फीस जो थी 30,000 हमने दे दिया, आप जो दूसरा वकील कराया है वो हर बार जाते हैं तो 500 रुपये मांग लेता है, मैं कह यार वो तो वकील साहब उनको बोल देंगे या मैं बोल दूंगा तुम आ जाना, और वकील तो अपनी फीस मांगते हैं स्वाभाविक तौर पे, मैं कहा फिर भी रिक्वेस्ट कर लेंगे, कोई गरीब आदमी होगा तुम आना, परसों इनमें से एक साथी मेरे पास आया, मैंने उसको चाय पिलाई, चाय पिला के वकील साहब को फ़ोन किया तो वकील साहब बोले मैं बाहर हूँ कल बुला लो, कल मैंने इनको फ़ोन किया आप आ जाओ कल, ये लोग न्याय बोले थे हम तो बाहर हैं और हम तरीके से आएंगे, भाई हम अपना पूरा इंतज़ाम करके आएंगे, मैं कहा ठीक है भाई, अब मुझे थोड़ी पता था कि ये इंतज़ाम करके आएंगे, अब आज ये शेर के पट्टे जो है वो पूरा लाठी डंडे के साथ आ गए, ऐसा कौन सा आफत आ रहा है। उधर मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी का कहना है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी देख रहे हैं, मतलब डॉक्टर साहब की कॉल आई थी हॉस्पिटल में, कुछ शरारती तत्व आए हैं, उन्होंने झगड़ा किया है, मारपीट की है, तो मौके पे आए थे, उन्होंने बताया उन्होंने दो लड़के भाग गए थे और एक लड़का है यहीं पे हमने पकड़ रखा है, इसको देखा भी आईसीयू में भर्ती था ये, और ये बता रहे हैं कोई अपना पक्ष रखने के लिए आए थे, ये हॉस्पिटल पे आरोप लगाए हैं इन्होंने हमारे पास मारपीट की है। जानकारी के मुताबिक यह मामला डॉक्टर के भाई वकील से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिस पर आरोप है कि अपने क्लाइंट से फीस ली और तलाक मामले में पैसे लेकर अदालत में जमा नहीं करवाए, जब क्लाइंट को बीते दिन वकील ने अस्पताल में बुलाया तो झगड़ा हो गया और देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई, जहां एक व्यक्ति को गंभीर चोटें भी आईं, जिसको पुलिस ने अपनी गाड़ी से कल्पना मेडिकल अस्पताल में भिजवाया जहां उसका इलाज चल रहा है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। करनाल से पंजाब केसरी टीवी के लिए केसी आर्य की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।